ऑलराइट गाइज, व्हाट्स गोइंग ऑन, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। सो गाइज, आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं हिटमैन 3। और हिटमैन 3 के फर्स्ट एपिसोड में ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड में हम लोगों ने ऑलरेडी मार्कस स्टाइवसन को तो एलिमिनेट कर दिया है। इसके दो टारगेट्स थे, कार्ल इनग्रम और माइकल स्टाइवसन। मार्कस स्टाइवसन को तो गाइज हम लोगों ने दो बार मौत दी है, एक बार चाकू से और दूसरी बार बहुत ही इतनी बड़ी भाई वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग के ऊपर से हम लोगों ने उसका धक्का भी दे दिया था। तो दो तरह से उसकी मौत हो चुकी है ऑलरेडी। तो वो तो एलिमिनेट हो ही चुका है, डेफिनेटली एलिमिनेट हो चुका है। मतलब कोई चांस भी ना होता ना कि चाकू से सिर में चाकू मारने के बाद भी अगर वो जिंदा रहता, वो भी पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है। बिकॉज हम लोगों ने उसको इतनी ऊँची बिल्डिंग से, दुनिया की सबसे ऊँची बिल्डिंग से हम लोगों ने उसको धक्का भी दे दिया। तो यार यहाँ पे यार ये तो मैं गलत सीन पे मैंने स्टार्ट कर दिया था, गलत बैकग्राउंड से। तो गाइज बेसिकली मैं यहाँ पे सबूत मिटाने आया था कि यार सिक्योरिटी रूम में चल के थे कि वो सिक्योरिटी टेप्स जो है वो सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इन दोनों को तो मैंने क्रोबार से सुला दिया है मैंने। मैं जेन्युइनली अरे यार मैं बहुत ही सच्चा बंदा हूँ यार, मैंने इन लोगों को जेन्युइनली सुला दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि मैंने इन लोगों को क्रोबार से बेहोश किया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, मैंने बस इन लोगों को सुला दिया है। और ये मैंने किया एविडेंस को डिस्ट्रॉय, सब कुछ हो चुका है बन, वेरी गुड। और अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यार ये दे दो यार, पिस्टल मिल गया हम लोगों को। तो चलो ये तो हो गया, अभी बचा है गाइस कार्ल इनग्रम। तो कार्ल इनग्रम को मारने के लिए मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, तो उसके लिए गाइस लेकिन हम लोगों को थोड़ा ना स्लिक होना पड़ेगा। तो स्लिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यार यहाँ से तो नहीं जा सकते हम लोग, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते। होल्ड ऑन, कार्ल इनग्रम को कहाँ से मार सकते हैं हम लोग, यहाँ से जा सकते हैं हम लोग अंदर? नहीं, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। यस, यहाँ से हम लोग डेफिनेटली ऊपर तो जा ही सकते हैं हम लोग। वेल कार्ल इनग्रम को जिन लोगों ने पहला एपिसोड नहीं देखा और जिन लोगों को ब्रीफिंग के बारे में नहीं पता हो, कार्ल इनग्रम की फट चुकी है। मतलब इन दोनों को पता था, मतलब सस्पिशन था मार्कस को और कार्ल को कि हम लोग आ रहे एजेंट 47 और लूकस ग्रे उनको एसेसिनेट करने के लिए आ रहा है। अलेक्सा कार्लाई जो है वो कॉन्स्टेंट ने उसको बता दिया था कि भाई निकलो वहाँ से कुछ भी करके, तो वो तो निकल गई, लेकिन ये दो यहाँ पे फंस चुके थे। तो बस अभी ये दोनों तो यहाँ यहीं पे फंस चुके हैं। ये देखो यहाँ पे एक और क्रोबार है, क्रोबार तो साथ में ही रख देते। अभी फटाफट से कोई अच्छी सी स्टोरी वगैरह मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा यार। ओए होल्ड ऑन, ओके, एक गार्ड तो यहीं पे है। ओके, सुनो मेरी बात सुनो, इसकी बॉडी को ना ड्रैग करके यहाँ पे अंदर, ओ भाई अंदर तो एक बंदा है, फटाफट से डंप कर देते इसको। ओके, ये तो डंप हो चुका है इसके जैसे। भाई क्या देख रहा है तो ऐसा क्या ही देख रहा है, मुझे भी देखना है वहाँ पे कि तेरे पीछे लिटरली एक डेड बॉडी लाके मैंने रख दी और तुझे मतलब कुछ पता ही नहीं है, ऐसा देख क्या रहा था वहाँ पे तू। तो चलो यार, बढ़िया वाली गन भी मिल चुकी है, बड़ी वाली पिस्टल भी मिल चुकी है हम लोगों को, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ओए रुको यार, ये बंदा क्या कर रहा है? Yeah, just want to remind you about the lockdown drill tomorrow. कल एक लॉकडाउन ड्रिल है 900 आवर्स, जिनको नहीं पता मतलब सुबह के 9 बजे। Yeah, same code 6927. भाई साहब इतनी जोर जोर से बता रहा है और बोल रहा है बता ना मत किसी को, मैंने तो सुन लिया ना, जिसको नहीं सुनना चाहिए था उसने तो सुन ही लिया ना। एक्टिवेट द अलार्म ऑन बोथ द फ्लोर्स, ओके मैं समझ गया। तो फटाफट से इसको स्वाइप करते हैं। ये अभी उसने बताया ना क्या था, 6927 ना, 6927, ये लो भाई। और ये ओके, अभी क्या इवैक्यूएशन की कार्ड भी मिल चुका है हम लोगों को, बढ़िया। ये क्या है, केला? अरे केला के मैं क्या करूँ यार, केला लेके मैं क्या ही करूँगा। तो यहाँ पे देख, बंदे को हम पे सस्पिशन है, तो इस रास्ते से तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, अरे लेटर ओपनर है, दे दो यार। लेटर ओपनर से मारने भी में भी अलग ही मजा आता है। एप्पल दे दो भाई, दे दो। चिंदी चोर है, हम लोग सब कुछ उठा के लेके जाएंगे यहाँ से तो। ओके। यार ये देखो यार, ये पेंट हाउस होता है, इसको बोल भाई सब क्या ही है यार, क्या जगह है यार, ये दिल आ गया मेरा इस जगह पे तो। ये देखो वाटर बॉडीज है यार, यहाँ पे तो वाटर बॉडीज भी है। अच्छा यहाँ से नीचे मतलब सीधा हम लोग अगर जंप किया तो नीचे गिर जाएंगे, यहाँ पे ग्लास वगैरह कुछ लगाए नहीं क्या ये लोग? अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम लोग जंप नहीं करेंगे,
सामने देखो इतना बड़ा हॉट एयर बलून है वहां पे, हम लोग लिटरली गाइस क्लाउड्स के ऊपर है। एक बार देखने में क्या ही प्रॉब्लम है, फटाफट से एक बार तो देख लेते। ये देखो यार हम लोग क्लाउड्स के ऊपर है, क्लाउड्स के ऊपर, बढ़िया जगह है यार ये तो। सेप्टर बहुत बहुत ही ज्यादा, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा पैसा इन लोगों के पास, भाई क्या ही बताएं यार। चलो कोई बात नहीं, कोई बात, ओके उसको मुझ पर सस्पिशन है। ओ ये देखो यार, ये इवैक्यूएशन की कार्ड के बारे में ये लोग बात कर रहे थे ना, ये देखो ये लोग भी उसी ड्रिल के बारे में बात कर रहे हैं। यार जिसको नहीं सुनना है वो तो सुन रहा है ना, मुझे तो पता चल गया। अभी ये देखो, ये मैंने यहाँ पे स्वाइप कर लिया और लॉकडाउन की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार मुझे ऊपर वाला की कार्ड भी स्वाइप करना ही होगा। तो मार्कस स्टाइवसेंट तो डेफिनेटली इवैक्यूएट करने नहीं वाला, क्योंकि उसने सीधा भगवान के घर पे ही इवैक्यूएट कर दिया है। ये लो भाई साहब, हो चुका है लॉकडाउन ड्रिल स्टार्ट। मुझे अगर चांस मिले, ओके तो उसको मुझ पे शक था, शटअप शटअप, मैंने जानबूझ के किसी को नहीं मारा है, उसको मुझ पे शक था इसलिए मैंने उसको मारा। ओ इस बंदे को भी मुझ पे शक है, रुको रुको रुको, अपनी गन का है यार, गन दे दो यार। इसको भी मार दिया है मैंने, गन को रख लिया अंदर। अब भी आई डोंट थिंक सो, एक ही बंदा है, एक ही गार्ड है जिसको मुझ पे शक है, लेकिन नथिंग टू बी वरीड अबाउट। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? ओह वो तो नीचे चला गया यार, ओ यार ये तो नीचे चला गया। रुको 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 रुको, इसको फॉलो करना पड़ेगा ना मुझे यार, ये तो नीचे चला गया। ओ ये देखो, ये देखो भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, भाग भागने ना, भागना नहीं चाहिए, ये भागना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए ये भागना नहीं चाहिए। आज यहाँ से जा सकता हूँ मैं नीचे? अच्छा ब्रेक लॉक कर सकता हूँ ना, अरे हाँ अपने पास क्रोबार तो पहले से ही था, बढ़िया। क्लाइम करके फटाफट से नीचे, स्लाइड कर, वो नीचे आता ही होगा किसी भी मोमेंट। ओ ये देखो ये आ रहा है, अच्छा ये यहाँ से भी भाग रहा है। अच्छा पैराशूट से, अच्छा ये वापस से ऊपर जा रहा है, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम लोग भी वापस ऊपर से चले, ऊपर चले जाएंगे। उसको बहुत, भाई साहब बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है पैराशूट के लिए, लेकिन हम लोगों का ऐसा थोड़ी है। ओ ये देखो यार, ये देखो की कार्ड बच चुका है, और अभी सीन तो हो ही चुका है यार। चलो 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 चलो, फटाफट से, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ओ ये देखो पीछे से आ ही रहा है यार, एक मिनट, एक गार्ड को हम पे अभी भी शक है। ओ यार इसको भी शक है यार हम पे तो, फटाफट से ब्रेक करो लॉक को, इस लॉक को ब्रेक करो, और मुझे यहाँ से फटाफट से नीचे जाने दो। ओके ओए मैं नीचे तो आ गया मैं, ये दरवाज़ा खोल दो। अभी यही से आएगा ना वो जंप करने के लिए, ये देखो यही पे आ रहा है वो जंप करने के लिए। अभी मार दो क्या, गोली से मार दो इसको? अरे नहीं नहीं थोड़ी प्यारी मौत देंगे यार इसको, जा यार। कितना रिलीफ फील हो रहा होगा बेचारे को कि उसको कोई तो मारने आ गया था, लेकिन उसको पहले ही पता चल गया। लेकिन मैं भी बड़ा कमीना हूँ ऐसे। कोतरिया कहाँ जा रहा है तू? ये लो Soon there will be no more profits. Gaya. You need to find an exit. Our business is done here, but it's far from over. अरे don't worry यार, Alexa को भी ऐसे ही मार देंगे, थोड़े स्टाइल से मारेंगे हम लोग। और मैंने एक हेलीकॉप्टर देखा था ना, हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे यार, शान से जाएंगे। दोनों के दोनों पार्टनर्स को मारा है हम लोगों ने, ऐसा कोई चींदी काम नहीं किया हम लोगों ने, पार्टनर्स को मार दिया है हम लोगों ने, पार्टनर्स को। तो एक मिनट यार, वो गया कहाँ पे था? लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रही, ये बंदा गया कहाँ पे था, याद नहीं आ रहा मेरे को। ओ यार तुम लोगों को याद आ रहा है क्या कहाँ से वो हेलीकॉप्टर के पास गया था? मुझे हेलीकॉप्टर लेके जाना है, आई एम 110% श्योर कि हेलीकॉप्टर एग्जिट तो डेफिनेटली होगा, बस देखना है, ढूंढना है हम लोगों को। ओ ये देखो ओए हेलीकॉप्टर, ये रहा ना हेलीकॉप्टर। अरे यार लेकिन ये लॉक्ड है, क्यों लॉक्ड है भाई? अच्छा मिसिंग की चाहिए तेरे को, ये देख यहाँ से एक सीढ़ी जाती है, तो इस सीढ़ी से ऊपर जाते हैं, ऊपर तो मैंने ऑलरेडी ढूंढ ही लिया था। और ये देखो भाई साहब, ये बताओ मेरा दिमाग फट रहा है कि यहाँ पे इसकी की क्यों है, क्यों? ये देखो ये फ्लोरिंग देखी है तुम लोगों ने, ये टाइल्स वगैरह ये जो भी लगाए इन लोगों ने,
इसमें ऑलरेडी छेद है ऐसे, और वहां पे एक कोने में हेलीकॉप्टर की पड़ी हुई थी। मतलब पायलट पायलट तो भाई अलग ही नशे करके बैठा है, वो तो ऐसी जगह पे की पड़ी है, ऐसी जगह से मुझे की मिली है। तो यार नुकसान तो बहुत ही कर दिया हम लोगों ने, दो पार्टनर्स को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया है, और भाई साहब बताओ चिंदी चोरी भी कर दिया हम लोगों ने, इनका हेलीकॉप्टर भी लेके जा रहे हैं हम लोग। ये लो भाई साहब हेलीकॉप्टर भी लेके हम लोग निकल गए यहाँ से। आगे की कहानी बताओ, आगे हुआ क्या मुझे वो बताओ, अलेक्सा का क्या हुआ? अलेक्सा तीसरी पार्टनर है और लास्ट पार्टनर है, द मैन बिहाइंड द कर्टन। अरे यार ये कॉन्स्टेंट, यार कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं ये लोग, आर्थर एडवर्ड्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। I'd hate to see you lose. We underestimated the constant. ओके इन लोगों को पता चल चुका है कि कॉन्स्टेंट भाग गया। He wants it all. अच्छा खुद के लिए चाहिए सारा का सारा पैसा, यार इतना सेल्फिश है यार ये, इनके पास इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा पैसा कि बस, मतलब ये लोग चलते हैं तो ऐसे मतलब पैसा गिरता जाता है। लुक भागने बैठता है तो पैसा गिरता है, इतना ज्यादा पैसा यार इन लोगों के पास, बॉय भाई बहुत पैसा है, और वो सारा का सारा पैसा इसको खुद के लिए रखना है। अरे हाँ यार 47 क्या होगा, मतलब ये जब सब तो अभी कांस्टेंट को मार देगा, अलेक्सा को मार देगा, उसके बाद क्या करेगा? अच्छा मतलब उसको पता चल चुका है कि पार्टनर्स अभी कंट्रोल में नहीं है, फिर भी लुकस ग्रे को कालाइल को मारना है। यार ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, एक को भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग। इसको इसका नंबर कैसा मिल गया? You planned this, all of it. Yeah, क्या plan किया था इसने? I just played the hand I was dealt. We'll find you. You had me. Where'd that get you? अरे tension मत ले. You an empire. इस बार हम तुमको मारेंगे. We handed you an empire. और ये partners का जो empire था, जितने भी पैसा वगैरह, जितने भी assets थे, सारे के सारे हम लोगों ने constant को दे दिए थे, और उसको वही चाहिए था. यार मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कांस्टेंट कभी ना कभी तो डायना को ये सच्चाई बता देगा कि हम लोगों ने ही, मतलब एजन 47 ने ही उसको पेरेंट्स को मार दिया था, गाड़ी में बम रख के जो ब्लास्ट हुआ था जिसमें डायना के पेरेंट्स की जान गई थी, वो बम और किसी ने नहीं, हमारे एजन 47 ने ही रखा था। भी वो उसने क्यों किया था वो मुझे कुछ नहीं पता। तो गाइज आज की वाली वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से लाइक मारो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो मैं हर बार ये बताता रहता हूँ लेकिन वीडियो के बीच में मैं तो ये ऐसा कुछ नहीं बोलता ना, क्योंकि मुझे भी पता है कि मूड स्पॉइल हो जाता है, एक हम लोग एक रिदम में होते हैं और वो रिदम मुझे डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। तो गाइज मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड गुड बाय।